सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीड़ा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस देवी ने वीड़ा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीड़ावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से भी पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में भी हम ये पर्व मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ये थी वसंत पंचमी की कथा जो हमें पुराणों से मिलती है। इस तरह की अनेक कथाएं हम आपको सुनाएंगे, तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि इस तरह की जानकारियाँ हम और आप सब तक पहुँचा सकें। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।